मॉर्निंग। तो स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो जैसा कि अभी ऑटो से आए थे, रूम से निकले, तो यहाँ पे एक वाइट टाइगर अच्छा सा जू है दोस्तों, वाइट टाइगर सफारी जू। तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे सारे फ्रेंड्स लोग। तो यहाँ पे सारा भी आपको बताएंगे किस प्रकार से क्या अंदर क्या क्या होता है। शायद अगर वीडियो अलाउ होगा तो उसका भी अंदर जाके आपको वीडियो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड लोग अंदर जा चुके हैं टिकट लेने के लिए। तो भैया हमारा भी टिकट ले लेना होगा। यहाँ पे देखते हैं भैया, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। बाहर से देखने में बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। अंदर जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको व्यू बताएंगे, बहुत सारे व्यू। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ। बनी 560 रुपए की हमारी टिकट बनी। ओके, तो चलो घूमते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको सारा व्यू। तो फ्रेंड्स, टिकट का चार्ज है 20 रुपए तो पर के दोस्तों, यहाँ पे पैदल चलने के। ओके, और सफारी दोस्तों बस से व्हीकल से ले जाएंगे 50 रुपए उसके अलग से लगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस में भी हम घूमेंगे, तो बस के द्वारा यहाँ पे वाइट टाइगर देखेंगे अंदर जाके। ठीक है दोस्तों, शुद्ध पेय जल पानी लेना है, फिर घूमते हैं ठंडा होना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। क्योंकि गर्मियों के समय में हम तो पानी कहीं से पी लेते हैं, परंतु पक्षियों के लिए जो पानी है वो इसी के सहारे पिलाते हैं। सभी को रखना चाहिए ये सारा। तो फ्रेंड्स, ये है मगरमच्छ जो कि मरी हुई अवस्था में पड़ा हुआ है। ओके, ये देख सकते हैं आपको जूम करके बताया हुआ। तो यहाँ पे भाई दो ही मगरमच्छ देखने को मिले, छोटा सा तालाब जैसा है, ज़्यादा मगरमच्छ नहीं है। यहाँ पे चलते हैं आगे, देखते हैं और भी आगे कुछ और भी अच्छे अच्छे जानवर देखने को मिलेंगे। तो खास करके अपन तो वाइट टाइगर देखने के आए, वाइट टाइगर दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा इसको डिज़ाइनिंग किया गया है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो देखते हैं फिर आगे चलते हैं, यहाँ तो बस तीन ही शायद क्रोकोडाइल देख रहे हैं, उसके वापस चलते हैं दूसरे रास्ते से। गर्मी में सब नाना चले जा सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं, अभी तो घड़ियाल देख लिया हमने, तो सफारी की तरफ चलते हैं अपन, वाइट टाइगर की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पे इसके द्वारा भी आप घूम सकते हैं, पर हमें पैदल चलना उचित समझा, क्योंकि पैदल चलने में जो मज़ा है वो शायद ऐसे चलने में मज़ा नहीं है। कृपया बच्चों को रेलिंग पे ना चलने के बोर्ड में लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर सो रहा है वो टाइगर, देख सकते हैं स्विमिंग हो सकती है, स्विमिंग करके बताते हैं आपको। वो एक टाइगर है वहाँ पर सोया हुआ है, गर्मी के सारे फ्रेंड लोग आगे चले गए,
आते हैं तेजी से। कहाँ चले गए यार? ये रह गया एक वाइट टाइगर, यहाँ पे सोया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी तक तो एक ही वाइट टाइगर दिखाएं, बाकी और देखते तो आपको बताते हैं उनके सीन। लॉयन देखने जा रहे हैं, यहाँ पे लॉयन देखेंगे भैया। टाइगर तो बहुत कम थे यार वहाँ पे, कुछ खास नहीं लगा टाइगर। तो लॉयन देखते हैं, वाइट टाइगर वो भी देखने को मिलेंगे शायद। बोलते रहे कि वाइट टाइगर वो भी यहाँ पे घूम रहे हैं। लॉयन देखेंगे भैया, जंगल का राजा जिसे कहा जाता है। वो कहाँ पे भैया? वो तो शायद जग ही रहा होगा, बाकी सारे टाइगर तो सो रहे थे। हाँ भैया दिखा है, जग रहा है वो जंगल का राजा, झोपड़ी के नीचे सोया हुआ है, जगह हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें है तेंदुआ, देखते हैं। टाइगर देखा, लॉयन देखा, उसके बाद यहाँ पे तेंदुआ देखने जा रहे हैं। शायद ये भी जग रहा होगा, शायद सो रहा होगा, पता नहीं, देखने को पता चलेगा। फ्रेंड्स ले सोया हुआ है तेंदुआ, पर देखने का मज़ा नहीं आया यार। बहुत ही सेफ्टी मतलब रखी थी इसमें, यहाँ पे तो भाई से दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे है भालू, ठीक है भालू देखते हैं भैया। भालू की शायद सो रहे होंगे क्या? सारे ही मतलब देखेंगे सो रहे हैं, भालू को देखना नहीं है, भालू को देखना। तो फ्रेंड्स ये है भालू, तो अच्छा खासा घूम रहा है, छाँव छाँव में घूम रहा है। चलो ये तो देखने को मिला है, ये तो सो नहीं रहा कम से कम। देख सकते हैं भालू इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम ही रहा है। उनको घूमना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इधर से उधर घूम रहा है। चलो कम से कम ये तो देखने को मिला है। उनको सोने के लिए छाँव छाया के लिए बहुत ही अच्छा बना रखा है यहाँ पर। तो चल तुम्हें आगे खाने का रखना मिला है, बना अच्छा रखा यहाँ पर। अच्छा इसके अंदर क्या है भैया? जंगली कैट, जंगली कैट देखते, जंगली कैट बाहर घूम के आते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, बहुत अच्छे फ्रेंड लोग को भी आराम करते हैं आप देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महाराजा मार्तंडेय सिंह और सफेद बाघ के बीच की बहुत ही अच्छी कहानी भी है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारा बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फोटो है, यहाँ बताना चाहेंगे तो ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ बता दें कि बताया जाता है कि महाराजा मार्तंडेय सिंह और सफेद बाघ दोनों के बीच परस्पर बहुत ही अच्छा कनेक्टिव संबंध था। ओके यहाँ पे शुरुआत में आप अंदर गेट के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे उनका फ़ोटो देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे उनका छोटा सा इंट्रो देखने को मिलेगा, महाराजा मार्तंडेय सिंह और सफेद बाघ के बीच में क्या कनेक्शन था, ठीक ये देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे
जब भी विजिट करोगे आपको सारा देखने मिल जाएगा, ठीक, सारी कहानी आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे, फ्रेंड्स सफारी में बैठ के जाएंगे वाइट टाइगर देखने के लिए। यहाँ पे भी हमने वाली शायद बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स जाने वाले हैं, बैठेंगे तो पार्क देखने जाएंगे। विंडो साइड बैठे फ्रेंड्स, ये रह गया व्हाइट टाइगर, यहाँ पे सोया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रह गया व्हाइट टाइगर, क्या फ्रेंड्स हम देखने आए हैं, सब शायद सोए हुए हैं। यहाँ पे सोया हुआ व्हाइट टाइगर, कम जानवर है। और यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे लिखा हुआ कमिंग सून लिखा हुआ है, बाकी बहुत सारे जानवर इसमें आने को है, बाकी अभी तो देखने को नहीं मिले हैं, कुछ ही प्रसंग मतलब कि जानवर देखने को मिले हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल भी मतलब कि कोई थे या तो थे शायद, ओके हिरण, ज़्यादातर हिरण देखने को मिले हैं यहाँ पे, हिरण के बच्चे हो, बाकी हाथी देखने को नहीं मिला है, भालू देखने को मिला था यहाँ पे, और वाइट टाइगर हमें दो टाइगर देखने को मिले बस, वाइट टाइगर। ओके ठीक है, जितना भी देखा आपने आई होप एंजॉय किया होगा, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।